first year, second year, iske andar wo choose karte hain apne liye. So I would like to give you some tips that how should we choose ke kaun si class ya kaun si cheez hamare liye zyada behtar hai. Hum log hamesha se apni life mein ye sochte aa rahe hain ki hamare teachers hame batayenge कि ये काम ऐसे करो, या हमारे माँ बाप हमें बताएंगे, या हमारी फैमिली हमें बताएगी, या हमारे और लोग हमें बताएंगे कि व्हाट शुड वी डू. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मॉडर्नाइजेशन के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अमेरिका के अंदर ये सही चीज़ें नहीं बताएंगे. सही चीज़ें वहाँ पर बच्चा जो खुद चाहता है वही चीज़ वो खुद करता है. अब मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ. अच्छा, अब आगे हम लोग जाएँ तो हमारा जो फील्ड होता है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, चूजिंग आर फील्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हमें अपना फील्ड चूज़ करना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है. डोंट टेक इट एज अ जोक. हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जब भी अपने लिए कोई फील्ड चूज़ कर रहे हैं, मुझे पर्सनली मुझे पता है कि फील्ड चूज़ करते वक्त कितना बार सोचना पड़ता है कि किस फील्ड में जाऊँ, किस में ना जाऊँ. और आखिर में यही होता है कि दिमाग के अंदर यही बात आती है, क्या कड़बड़ बम्बे बो करके चूज़ कर लूँगा कि जो हमसे ऊपर जो है बस आया बस वो ही. यही क्योंकि इंसान जो है वो देखता है अपनी कंफर्ट को हर चीज़ में, अपनी हार्डवर्क को, अपनी अर्निंग को, अपनी सिक्योरिटी को. और यही चार से तीन चीज़ें हैं कि जो एक काम को उनके लिए जो है एक जॉब उनके लिए प्रायोरिटी में होती है, जिसके अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन हो, जिसके अंदर उन्हें ज़्यादा अर्निंग हो, जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरिंग हो, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए सिक्योरिटी हो. ये सारी चीज़ें वो लोग चाहते हैं. पर्सनली ऐसी एक भी जॉब दुनिया के अंदर अभी तक नहीं पाई गई जिसके अंदर टोटली जो है आपके पास सिक्योरिटी भी हो, आपके पास एक्सप्लोरेशन भी हो, आपके पास मनी भी हो. चलो टूरिस्ट गाइड, उनके पास मनी भी होते हैं, साथ ही साथ उनके पास वो भी होते हैं एक्सप्लोरेशन का मौका. लेकिन उनके पास मौका नहीं होता दैट हाउ कैन वी गेट सिक्योर्ड, क्योंकि वो तो जंगल्स में जाते हैं, दे आर नॉट सिक्योर. तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ दैट डोंट टेल समवन लाइक मैं हूँ तो मैं अब मुनीब भाई को कहता हूँ कि यार दोस्त ब्रो बताओ ना क्या जॉब बची है. तो वो जो है आपको देखेगा, वो करंट सिचुएशन को देखेगा. नो, हमेशा से हम लोग एक बड़ी मिस्टेक बनते आ रहे हैं कि हम लोग ये सबसे पहले तो औरों की बात मानते हैं और हम लोग आजकल की सोच रखते हैं. नहीं, आजकल की सोच नहीं, आप सोचें कि आने वाले 10 साल में जब आपको जॉब हाई फाई जॉब और आप एक बड़ी पोस्ट पर होंगे, लाइक 2-3 लाख आपकी सैलरी होगी, तो आप अगर उस टाइम को सोचें तो उस टाइम में इस जॉब की इतनी अप्रोच होगी कि नहीं, लाइक कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो आएगा ना अगर अप्रोच हो तो. आप ज़रा उसके ऊपर सबसे पहले पूछें. फिर एक और बात, अपने इंटरेस्ट, स्कूल ऑफ थॉट्स, ये चीज़ भी अपने आगे रखें. हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जो कि ये होती है कि हम लोग अपने स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं, अपने माँ बाप के, अपने फ्रेंड्स के, अपने टीचर्स के, हम लोग और लोगों के स्कूल ऑफ थॉट्स पसंद करते हैं. हम लोग उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से पसंद करते हैं. अब आपकी पसंद क्या है, लाइक आप में से कौन कुछ बनना चाहता है ना? कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना. लाइक प्रेप के बच्चे तो आपसे अच्छे हैं, कम से कम कह देते हैं पायलट, इंजीनियर. आप बताएं आप क्या-क्या बनना चाहते हैं, ये कब से पूछना? मुझे पता है कोई न्यूरो सर्जन, कोई कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे पता है आई गेस. हम लोग कह रहे हैं कि इनके साथ मुखातिब वो लोग हमारे साथ मुखातिब नहीं. अच्छा, अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि अब जितना मैंने आपको बोला है तो आपने इससे क्या सीखा? कुछ बनना चाहिए, करेक्ट. दूसरा, मैंने तीन चीज़ें बताई हैं. किसी की बातों में नहीं जाना, जो अच्छा लगे वो खुद ही करो, जो फील. सेकंड और थर्ड,
बड़ा सिंपल है, मैंने अभी अभी बताया। थर्ड याद करें, मैंने आपको कहा कि फ्यूचर को भी अपने सामने रखें। आने वाले 20 साल में, 10 साल में क्या इसकी अप्रोच होगी इस जॉब की, मैंने आपको ये चीज़ बताई। लेकिन आप लोग प्रॉपरली सोच नहीं रहे, आप लोग गॉसिप के अंदर बिजी हैं। तो आप लोग ज़रा अटेंटिवली बैठे, क्योंकि मैं आपसे फिर पूछूंगा बीच बीच में से। अच्छा, तो अब दूसरी तरफ हम लोग देखें तो जॉब के लिए या हम लोगों को बिज़नेस के लिए, तो हम लोगों की एक ये मेंटेलिटी होती है कि जॉब अच्छी है कि बिज़नेस अच्छी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिज़नेस। अच्छा, अब बिज़नेस के अंदर आपकी क्या सोच है? बिज़नेस के अंदर लॉस ज़्यादा हो सकता है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है? मेरे हिसाब से बहुत आर इक्वल, क्योंकि कोविड-19 के अंदर ऐसे ऐसे बिजनेस जो कि कई करोड़ों के टॉप के ऊपर थे, जो कि कई बहुत टॉप पे थे, वो बहुत ख़राब हुए हैं। और ऐसे बिजनेस जो कि बिल्कुल लो लेवल पे थे, वो इतना राइज हुए हैं। जिससे ये मेडिसन्स की कंपनीज इतनी ज़्यादा, उनकी अप्रोच बढ़ी है ना, हर कोई चाहता था कि मेडिसन्स हमें मिले, क्योंकि मेडिसन्स एक ज़रूरत है। और बाकी चीज़ें जिस तरह हम लोग अपने लिए पिज़्ज़ा शोरमा और ये चीज़ें लेते हैं, ये दे वर नॉट अलाउड एट ऑल, वो पूरे तरीके से अलाउड नहीं थे। सिर्फ इतना था कि हाँ आप टेक अवे कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से लोगों को प्रॉफिट और बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। तो आप लोगों ने, अगर आपका फील्ड बिजनेस है, तो बिज़नेस के, मैंने अभी तक जो आपको बताया वो जॉब के हवाले से था। बिजनेस के अंदर आपने प्रायोरिटी सोचना है कि अगर मुझे लॉस हो तो मैं किस तरीके से रिकवर होऊंगा। अब कैसे, अब अगर हम लोग एक चीज़ अपने सामने रखें, वो सिंपली ये होगी कि रिकवर कैसे करना है। रिकवर के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अपनी मदद, आपके तहत आप खुद रिकवर करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप या बैंक से लोन लें या आप किसी और से लोन लें और आप जो है उससे अपने आप को रिकवर करें। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, फॉर रिकवरी हमें चाहिए कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत करें। क्योंकि आज तक मैंने जितने लोग देखे हैं कि उन्होंने कुछ बड़ा बनाया है, तो उन लोगों के पास ये एक चीज़ थी कि उन्होंने हर वक्त फेस किया। मेरे टीचर जो कि वहाँ पर अलीम शाखिल जी, अगर हम लोग उन्हें देखे, ये उन्हें जानते हैं, तो वहाँ पर उनका स्टार्ट एक छोटे से बाथरूम के साथ हुआ था। वो उनका ऑफिस था उस वक्त में, लिटरली उनका ऑफिस था। वहाँ से उन्होंने शुरू किया, उन्होंने वो सारा बाथरूम जो है तोड़ मोड़ के उसके ऊपर जो है थोड़ा सा कपड़ा मपड़ा लगा के उसे ऐसे बनाया जिससे वो ऑफिस है ना कि बाथरूम। तो एक छोटी सी जगह थी, वहाँ से जो है अभी तक जो है वो वाइब्स आती हैं, वो वेव्स आती हैं, एक 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 होप की एक वेव्स मुझे वहाँ तक आती हैं। फिर इस तरह वो बड़े, आज तक वो कहते हैं कि मैं खुद इंजीनियर भी हूँ, मैं खुद स्वीपर भी हूँ, मैं खुद सब कुछ हूँ। वो कहते हैं कि मेरे जो इंजीनियर है यहाँ पर, अगर कोई प्रोजेक्टर ख़राब होता है तो वो मेरे पास लेकर आते हैं कि प्रोजेक्टर में मसला है, इसकी तार में मसला है या कंप्यूटर लैपटॉप में मसला है। तो वो कहते हैं कि मैंने सारे काम किए हैं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि अपनी मदद आपके तहत जब आप काम करते हैं, वो ज़्यादा आपकी मेहनत और प्रॉफिट ज़्यादा आपको देता है। हम लोग प्रॉफिट को किस नज़र से देखते हैं? पैसा शोहरत? नहीं, मैं उसको इस तरह से नहीं देखता। मैं उसको कहता हूँ कि पैसा, अगर आप किसी और के पैसे को लेकर अपना पैसा बनाते हैं ना, जिस तरह आप किसी से लाइक अब एक टॉफ़ी है, तो आप एक टॉफ़ी का कवर किसी और से लें, एक टॉफ़ी की फिलिंग किसी और से लें, और एक टॉफ़ी जो है वो किसी और से लें। बस आप सिर्फ इतना करें कि वो फिलिंग उसके अंदर भर दें और उसके ऊपर कवर लगा दें और कहें कि मेरी टॉफ़ी बन गई। तो ये इस तरह। और जब आप ख़ुद अपनी एक टॉफ़ी की फिलिंग बनाते हैं, ख़ुद उसका कवर बनाते हैं, ख़ुद उस टॉफ़ी का नाम रखते हैं, ख़ुद उस टॉफ़ी को बनाते हैं और उसको फिर फिल करते हैं और फिर उसको कवर करते हैं, सो दैट इज़ समथिंग एल्स।